हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया है। जैसे कि आपको पता था कि मैं बीमार भी चल रहा था। खैर, अब थोड़ी रिकवरी हो रही है, मगर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का मैंने वादा जैसे कि किया है। तो RD350 का हैंडल मैं बेचता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे ले रखा है, काफ़ी नहीं, बहुत सारे लोगों ने रखा है। और G2 वाला जो कबीर सिंह वाली मूवी में बुलेट में दिखाया गया था, वो भी हैंडल मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और पहले तो मैंने वीडियो डाली थी, वो घर में बैठकर डाली थी, वो कैसा दिखता है वो दिखाया था। मैं एक्चुअली में कैसा लगा हुआ दिखता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको मैंने हैंडल जब ये दिखाया था, अपने सामने ही दिखाया था, तो उन्होंने देखते ही पसंद कर लिया कि भैया ये मुझे हैंडल डाल कर दो। और मैंने फिर गाड़ी में ये डलवाया हैंडल। अब उन्होंने जब चलाया तो उन्होंने कहा भाई मज़ा आ गया। और जैसे कि जितने लोगों को मैंने बेच चुका हूँ, सबका बेस्ट फॉर ये क्लासिक के लिए भी बेस्ट है और स्टैंडर्ड के लिए भी बेस्ट है। तो इससे ये थोड़ा बड़ा हैंडल है, हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है और सेटिंग पोस्चर बहुत अच्छा होता है। जैसे कि क्लासिक में छोटी हाइट वाले लोग होते हैं तो उनको आगे झुकना पड़ता है, इस हैंडल में आपको झुकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको बैठने का पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये वाइब्रेशन कम करने में भी मदद करता है। और जो मेरे पास है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है मार्केट में, सबसे बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी में मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा, बहुत सस्ते सस्ते हैंडल अवेलेबल हैं। और बीच में रॉड जिसके होती है, वो हैंडल बहुत कमज़ोर होता है, वो मैं कभी नहीं देता हूँ, बिना रॉड वाला क्रोम में मैं देता हूँ। तो G2 वाला हैंडल भी मेरे पास अवेलेबल है, आपको मैं बता दूं। और पता है लोगों को जिन्होंने मेरे पहले वीडियो देखी है, और ये RD350 यामाहा की RD350 आती थी, यामाहा राजदूत 350, उसमें ये लगा हुआ आता था। तो वहाँ आपको मैं हैंडल इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ। और ऑर्डर करने के लिए मैं आपको फिर बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर है, इंस्टाग्राम है। 12 बजे के बाद दोपहर में कॉल करना और रात में 8 बजे के बाद मत करना। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए अमेज़ॉन पे, गूगल पे, किसी पे भी आप बैंक ट्रांसफ़र, कोई भी कैशलेस ट्रांजैक्शन मुझे कर सकते हैं। और तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको ये हैंडल। तो फ्रेंड्स, मैं ये है वो RD350 का हैंडल जो गाड़ी में लगा हुआ है, मैं आपको हर तरफ से दिखा देता हूँ। देखिए, इधर से हम बैठते हैं, इस साइड से देखिए, इसका कुछ ऐसा शेप है। और फिर मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास अवेलेबल है बहुत सारे, कम से कम 1000 से ऊपर पीस मैं बेच चुका हूँ। और ऑर्डर प्लेस करना मैंने आपको बता दिया। ये फ्रेंड्स आप देख लेंगे इसको, और ये बिना वेट वाला है, हैंडल वेट वाला भी आता है, वो भी लग जाएगा क्लासिक में, स्टैंडर्ड में, सब में लग जाएगा। इधर से मैं दिखाता हूँ, बाकी ये गाड़ी का भी हैंडल दिखाया और G2 का हैंडल दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए, ओरिजिनल G2 का हैंडल एग्जैक्ट यही शेप में आपको देने वाला हूँ। और क्रोम की क्वालिटी बस आप किसी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल जैसे एज इट इज़ ओरिजिनल होता है। और फिर भी बोलकर किसी को बेचकर आप एक बार धोखा दे लोगे, आपको एक बार कस्टमर का ट्रस्ट आपसे उड़ गया तो आप दोबारा से ट्रस्ट नहीं बना पाओगे। क्यों कि शीशे के अंदर एक बार दरार आ गई तो वो दोबारा कभी ख़त्म नहीं होती है, वो शीशा बिल्कुल बदलना ही पड़ता है। तो आपको इसमें G2 में ओरिजिनल, बिल्कुल एग्जैक्ट जो ओरिजिनल हैंडल है वो दिखाने वाला हूँ। और बिल्कुल यही शेप का आफ्टर मार्केट सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो होता है हैवी वेट, वो मैं बेचता हूँ। इसका मटेरियल फिर बता दूँ, कोई आपको स्टील का बचे तो स्टील का हैंडल आता ही नहीं है, ये हैंडल आयरन में होता है, क्रोम प्लेटेड। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ये तो ओरिजिनल हैंडल है, और मैं जो आपको दूंगा वो भी इसी शेप का होगा। G2 बुलेट की मैं आपको पहचान बता दूँ, यहाँ इसमें नंबर धुंधले हैं थोड़े, तो यहाँ पर G2 लिखा होता है इंजन नंबर में, और बाकी G2 की ये पहचान है। ये जो ब्रीदर पाइप है इसमें स्क्रू वाला होता है, देखिए इधर, ये G2 की, तो ये इसका ओरिजिनल हैंडल है। ये टैंक कैप भी मेरे पास अवेलेबल है, आप देखिए एनफील्ड इंडिया इस पर लिखा हुआ है, बुलेट एनफील्ड लिखा है। बाकी हैंडल इधर से ऐसा दिखता है, आपको सब तरफ से मैं दिखा दूँ। ये G2 ओरिजिनल बुलेट है, यही हैंडल मैं आपको लोगों को देता हूँ, कोई अलग हैंडल नहीं देता हूँ। ये क्लासिक में आप लगा सकते हैं, उसमें हैंडल वेट भी लग जाता है, हैंडल वेट वाला अलग होता है, वो भी मैं आपको दूंगा। शेप यही होगा, आप शेप देख लीजिए, देखिए इधर से मैंने आपको दिखा दिया शेप, इधर से भी दिखा देता हूँ, पीछे से भी दिखा देता हूँ, बाकी इधर से दिखा देता हूँ, पूरा मैं आपको शेप इसका दिखा देता हूँ हर साइड से, देखिए कैसा दिखता है ये। तो ये G2 मॉडल का हैंडल है, जिसको कबीर सिंह वाली बुलेट में यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, वो है जिसको लोग कहते हैं कबीर सिंह वाला हैंडल, एक्चुअली में ये G2 मॉडल बुलेट जो होती थी, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसका ये हैंडल है। और मैं आपको थोड़ा सा राइडिंग पोस्टर आपको दिखा देता हूँ, ये लगाकर जब आप चलाते हैं तो कैसा लगता है, मज़ा तो काफ़ी आता है, थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगता है, जैसे स्पोर्ट्स बाइक होती है वो वाला फील आ रहा है। ये बुलेट काफ़ी पुरानी है, तो ये है, आपको मैंने दिखा दिया, आप देख सकते हैं कि चलते हुए ये हैंडल कैसा लगता है कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया है। RD350 वाला हैंडल अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, दोनों को कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, दोनों का बिल्कुल एक अलग टेस्ट है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैंने ये आपको दिखा दिया चलते हुए ये कैसा लगता है हैंडल। लेने के लिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है,
व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का एंजॉय करें, बिल्ला बिलिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी हैंडल का ऑर्डर देना।